हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है पुट्रू गेम पॉइंट। और गाइस, आज हमारे पास है डंप ट्रक, ये काफी बड़ा हाइट में। और हमारे पास है इधर दो GL63 मर्सिडीज की, जो कि काफी बड़ी एसयूवीज हैं। और गाइस, इस दोनों एसयूवीज का हम क्रैश टेस्ट करेंगे, या कह लो मतलब क्रैश करेंगे, इनको पूरी तरह से बर्बाद करेंगे इस ट्रक की मदद से। क्योंकि गाइस, ये काफी हैवी है और ये कई डोजरों से भी नहीं उड़ता है, तो ऐसे में इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं। तो हम सीधा इसको ऊपर चढ़ा देंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आप देख सकते हैं, कांच फूट चुके हैं दोनों के, और सनरूफ भी एक कप फूट चुके हैं दोनों के। और गाइस, ये हम उतर चुके हैं नीचे। ओ गाइस, देखा आपने, पहली बार उतर के दिखाता हूँ कि कितना बुरा हाल हुआ है पहली बार में उनका। ये देखो गाइस, इस साइड से कोई नहीं है, ये देखो बीच में से देखो गाइस, मतलब क्या ही हालत हो गई है इस कार का भी देखो गाइस। और सनरूफ दोनों के फूट चुके हैं, और साइड में इसके क्वार्टर पैनल में काफी चोटें आई हैं बेचारे की। कोई बात नहीं, तो इस कार का भी देखो, इस कार का भी क्वार्टर पैनल डेड हो चुका है पूरी तरह से। और अब दोबारा से चढ़ाएंगे इस कार ट्रक को ऊपर इन कार्स के, और अब ये शायद ना चढ़े, बैंक कर चढ़ता है गाइस, कि इसके आगे ये सीढ़ियाँ आ जाती हैं, पता नहीं क्यों लगाई है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, तो अब चढ़ेगा ये ट्रक उनके ऊपर, तो साइड हो जाओ, साइड मतलब क्यों ही होना है, क्योंकि हम उनके ऊपर ही चढ़ाएंगे। और गाइस, ये टायर ना उधरली साइड नहीं चढ़ रहा है, अब चढ़ेगा, नहीं चला, कोई बात नहीं। एक कार का एक बार कचरा करते हैं, फिर दूसरी कार की बारी आ जाएगी। और गाइस, इस कार का मतलब देखो यार, क्या ही हालत हो चुकी है। और गाइस, काफी बार हम ऊपर नीचे कर चुके हैं, और इसका रियर एंड पूरा डेड हो चुका है। वैसे में इस GLS का भी क्या ही बुरा हाल हुआ, कोई बात नहीं, जैसा भी हाल हुआ हम देखेंगे इनको। और ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं इनके, और गाइस आप देख सकते हैं कि GLS है जो पूरी फूट चुकी है पूरी तरह से, तो इसे उधर साइड में लेके चलते हैं उस कार के पास में। वैसे में काफी बुरी हालत हो जाएगी इसकी भी, कोई बात नहीं, ये तो इसके ऊपर चल रहा है। और कार जो है पूरी बेंड हो चुकी है, और ऐसे में कार्स के शॉकर्स अभी भी काम कर रहे हैं, काफी बढ़िया बात है। और कार देखो यार, मतलब एसयूवी कहीं से लग ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कॉम्पैक्ट सेडान हो, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी है, चलाते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको उतर के भी इस कार से। गाइस, क्रैश टेस्ट में मुझे काफी मजा आता है ऐसे क्रैश करने में कार्स को, तो हम इन ट्रक के ऊपर से उतरते हैं। और अब दिखाता हूँ गाइस इन कार्स की आपको शक्ल, ये देखो, ये तो बिल्कुल ही एक मतलब सब कॉम्पैक्ट सेडान लग रही है। ये देखो, पीछा पूरा बेंड हो चुका है इसका, रियर एंड दिख ही नहीं रहा है, बूट स्पेस पूरी बर्बाद हो चुकी है, सारा कुछ मतलब अंदर से थोड़ा बहुत सेफ है अभी भी, साइडों से भी थोड़ा बहुत सेफ है, इस कार का ऊपर से बेंड हो चुका है। अब थोड़ा सा अपन गोलियों से भी करते हैं कार की बुरी हालत, वैसे एक बार मैं आपको दिखाऊंगा इस, ये डंप ट्रक वैसे तो काफी हैवी है, पर सिर्फ एक गोली से इसका टायर पंचर हो जाता है, ये देखो सारे टायर पंचर करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ एक गन से, ये भी पंचर, और वो वाला भी, वो इधर से नहीं हो रहा, आगे से चलते हैं भाई, कोई बात नहीं, वो गाइस हो गया, इसके लिए दो गोलियां लगी, कोई बात नहीं। इसके कार के टायर थोड़े से अच्छे होते हैं गाइस, आपको भी पता चला ना कि डंप ट्रक के नीचे आई कार्स का यही हालत होती है। सो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।